Hello student, welcome to the St. Thomas High School online classes, standard 3rd, subject Hindi. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट टेस्ट 4 जो आ रही है उसका रिवीजन का अभ्यास करेंगे. बच्चों, हमने ऑलरेडी 2 अक्षर वाले वह शब्द और 3 अक्षर वाले शब्द का अभ्यास कर लिया है. आज हम रिवीजन के दौर पे इसका अभ्यास करेंगे. तो बच्चों, मंडे से हमारी यूनिट टेस्ट जो शुरू हो रही है उसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको अपने फ़ोन पे मिल जाएगा. व्हाट्सएप ग्रुप के हमारे स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें. तो बच्चों, पीडीएफ का जो आपको प्रिंट निकालने हैं और उसी पेपर में आपको आंसर लिख के भेजना है. क्वेश्चन पेपर जो आपको मिले उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है और उसी में ही आपको आंसर लिख के भेजना है. और हाँ बच्चों, क्वेश्चन पेपर में अपना नाम, रोल नंबर और क्लास डिवीज़न ज़रूर लिखे. कोई बच्चे अभी नहीं लिखते हैं, बाद में बहुत ही प्रॉब्लम होती है. तो प्लीज़ आप अपना नाम, रोल नंबर, क्लास डिवीज़न अच्छी तरह से लिखो और भेजो. तो बच्चों, यूनिट टेस्ट में आपको ब से स तक लिखना है व्यंजन में. तो आप ऐसे लिखते यूनिट टेस्ट 2 से लेके अभी तक आप ऐसे लिखते ही आए हो. ब, फिर ब, म, य, र, ल, व, श, श और स. ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखना है. ठीक है, समझ में आ गया. अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 2 अक्षर वाले शब्द. तो बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा चित्र दिया होगा और उसका इंग्लिश नेम दिया होगा. क्या दिया होगा? इंग्लिश नेम, यानी उसका इंग्लिश वर्ड जो है वो दिया होगा. तो ये कौन सा चित्र है? फायर, फायर. ठीक है, तो फायर को हिंदी में क्या कहते हैं? आग. क्या कहते हैं? आग. तो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी हो उसमें लिखना है आग. फिर ये कौन सा चित्र है? ईंख. ईंख यानी शुगर केन. शुगर केन को हिंदी में क्या कहेंगे? ईंख. तो आपको यहाँ पे लिखना है ईंख. ठीक है, फिर ये कौन सा चित्र है? वुल. तो वुल को हिंदी में क्या कहेंगे? ऊन. देखो बच्चों, ऊन में दीर्घ उ आता है, दीर्घ उ. ये अश्व उ है और ये दीर्घ उ है. और ईंख में भी ये अश्व ई है और ये दीर्घ ई है. इसमें जो मिस्टेक हुई तो मार्क चला जाएगा. फिर ये कौन सा चित्र है? एक, वन. तो वन को हिंदी में क्या कहेंगे? एक. तो यहाँ पे लिखना है एक. वैसे ही आपको ये डेव है तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे? ओस. एक कप है तो कप को हिंदी में हम कप ही कहते हैं. ये कौन सा चित्र है? लेटर का. तो लेटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? खत. फिर ये कौन सा चित्र है? एलिफंट का. तो एलिफंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? गज. ठीक है, तो ऐसे हम ये हमारे पूरे हुए 2 लेटर वाले शब्द. अब हम लेते हैं 3 लेटर वाले शब्द, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. तो ये कौन सा चित्र है? लोटस. लोटस को हिंदी में क्या कहते हैं? कमल. तो आपको यहाँ पे लिखना है कमल. बच्चों, ये और ये नहीं दिया होगा. हाँ, एग्ज़ाम में ये चित्र और इंग्लिश वर्ड दिया होगा तो उससे आपको हिंदी वर्ड लिखना है. स्पेक्टिकल्स, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऐनक. ठीक है, ये कैनाल है. कैनाल को हिंदी में क्या कहते हैं? नहर. ये डक है तो डक को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्तख. ए डिवोट यानी भगत, भगत. ठीक है, ये कौन सा चित्र है? पीस. तो पीस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? मटर. हनी को शहद. ठीक है बच्चों, तो ऐसे स्काई को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गगन.
फिर वेव, लहर, वेव को क्या कहते हैं? लहर। फिर हम गरम, हॉट, हॉट को हिंदी में क्या कहते हैं? गरम, ठीक है। और लास्ट है पॉट, पॉट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कलश। तो बच्चों ऐसे आपको वर्ड लिखना है, एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो बच्चों आप यूनिट टेस्ट की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट यूनिट टेस्ट के लिए। और बच्चों अब हम वीडियो में यूनिट टेस्ट बाद ही मिलेंगे, ओके। तो ऑल द बेस्ट सबको, यूनिट टेस्ट के बाद मिलते हैं, बाय बाय।